वेलकम फ्रेंड, मैं रवीन बिरला बिरला के लिए एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने बायो के कुछ चैप्टर पढ़ लिए थे, अब हम आगे के चैप्टर भी कवर करेंगे। तो अगला चैप्टर जो है आपका वो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत मधुमक्खी और रेशम कीट आपको पढ़ा दिया गया है। अब मैं लार्क कीट, दीमक और टिड्डा, इसके बाद काक्रोच और अर्थवर्म, केचुआ, इसको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं लार्क कीट से। लार्क कीट से भी और दीमक और टिड्डा, इन तीनों कीट से भी क्वेश्चन पीएटी में आते हैं, कई बार आ चुके हैं, आप पुराने पेपर उठा के देख सकते हैं, उनमें आए हुए हैं क्वेश्चन, तो इनको पढ़ना भी जरूरी है। इनमें जो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है, वही मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। चलिए देखते हैं। लार्क कीट का जो संघ है वो अर्थोपोडा है, संघ अर्थोपोडा का है, वर्ग इंसेक्टा है, गण जो है वो हेमिप्टेरा है, गण हेमिप्टेरा है। इसके अलावा वर्ग, संघ और गण, कुल और साइंटिफिक नेम, इन चीजों पे ध्यान देना जरूरी है, कई बार डायरेक्ट इनसे ही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लार्क कीट की जो कुल या फैमिली जो होती है वो कॉक्सिडी है, कॉक्सिडी, कॉक्सिडी की फैमिली है। साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो लेसिफर लक्का, लेसिफर लक्का, ये इसका साइंटिफिक नेम है, किसका, लार्क कीट का। चलिए आगे देखते हैं। लार्क कीट से जो लार्क प्राप्त होता है, लार्क जो रहता है लेक, वो मादा कीट से प्राप्त होता है, मादा कीट से, ओनली मादा कीट से, नर से लार्क प्राप्त नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। जो नर कीट होता है वो लाल रंग का होता है, नर कीट जो होता है लार्क का वो लाल रंग का होता है। उसकी लंबाई कितनी होती है तो 1.5 mm, 1.5 mm लंबाई होती है, और उसमें मुखांग नहीं पाए जाते, उसमें मुखांग निष्क्रिय या अविकसित, मुखांग नहीं पाए जाते। इसके बाद नर मादा से मैथुन क्रिया करने के बाद, मैथुन क्रिया करने के बाद मर जाता है। वो क्या होता है कि नेपचुनियन फ्लाइट, मैथुनी उड़ान भरी जाती है, उसके बाद नर मादा से सेक्स करने के बाद मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। आगे देखते हैं। मादा कीट, मादा कीट जो होती है वो नर से बड़ी होती है, आकार में बात की जाए तो मादा बड़ी होती है, किससे, नर से। इसकी लंबाई 5 mm जबकि नर की लंबाई 1.5 mm, दोनों क्वेश्चन पूछे गए। फिर जो इसमें मुखांग होते हैं, नर में मुखांग नहीं होते लार्क कीट के, और लार्क कीट की मादा में जो मुखांग होते हैं वो बेदने और चूसने वाले होते हैं, और इसको आप इंग्लिश ज्यादा ध्यान रखिए कि पर्सिंग एंड सकिंग टाइप, पर्सिंग एंड सकिंग टाइप, इंग्लिश कई बार भेदने और चूसने वाले जो होते हैं उनके अलग वर्ड हिंदी में लिखे हुए आते हैं, लेकिन इंग्लिश में यही मिलेगा, पर्सिंग एंड सकिंग टाइप, तो आप इंग्लिश जरूर ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। मादा कीट में आंख व पंख नहीं पाए जाते, लार्क कीट की मादा जो है वो अंधी होती है, उसमें आंख नहीं पाई जाती, और इसके अलावा पंख भी नहीं पाए जाते, एक जगह पर अंधेरे स्थान पर वो स्थिर रहती है, उसमें पंख नहीं पाए जाते तो वो उड़ भी नहीं पाती। आगे देखते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की बात की जाए तो लार्क कीट की मादा अपने जीवन काल में 200 से 300 अंडे देती है, 200 से 301 अंडे देती है, और जो निम्फ होता है वो 0.5 mm का होता है, अंडा लार्वा पिपा प्रौढ एक पूर्ण कायंत्रण के लिए इम्पोर्टेंट होता है, पूर्ण कायंत्रण के लिए अंडा और निम्फ और प्रौढ डायरेक्ट, तो जो निम्फ होता है वो 0.5 mm का होता है। लार्क कीट किन पौधों पे पाया जाता है, किन प्लांट पे पाया जाता है, पेड़ों पर, उनमें पलाश, पीपल, बबूल और कुसुम, ये मेन है, इन पे ही लार्क कीट पाया जाता है। जो लार्क होता है उसका जो मेन कंपोनेंट होता है, कंपोजिशन जो होता है, उनमें रेजिन पाया जाता है, 68 से 70% रेजिन, रेजिन जो होता है प्रोटीन, वो रेजिन पाया जाता है, किसमें, लार्क में, कितना परसेंट, 68 से 70%। भारत में विश्व का 97% लाग उत्पादन किया जाता है। अगर विश्व की बात, विश्व में देखा जाए तो भारत पहले स्थान पर है, 97% लाग अकेला भारत उत्पादन करता है। चलिए आगे देखते हैं। लाग अनुसंधान संस्थान जो रांची बिहार में है वो 1925 में स्थापित किया गया था। कौन सा लाग अनुसंधान संस्थान, 1925। लाग का जो यूज है वो ग्रामाफोन रिकॉर्ड, वार्निश और प्रिंटिंग में किया जाता है, ग्रामाफोन रिकॉर्ड, वार्निश और प्रिंटिंग में यूज किया जाता है, क्या, लाग। लाग के जो दो परभक्षी कीट है जो लाग पर अटैक करते हैं, लाग के कीट को खा जाते हैं, परभक्षी कीट हैं जो युब्लेमा अमेबिलस और होलोसिरा पल्वेरिया और युब्लेमा अमेबिलस, ये दोनों लेपिडोप्टेरा गण के हैं, दोनों लेपिडोप्टेरा गण के अंतर्गत आते हैं, जो रेशम कीट का गण होता है लेपिडोप्टेरा उसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये शत्रु किसके हैं, लार्क कीट के, ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं। अशुद्धि युक्त लार्क जो होता है उसको कीरी लार्क कहते हैं, अशुद्धि युक्त लार्क कीरी लार्क, जबकि शुद्ध लार्क जो होता है उसको बटन लार्क कहते हैं।
अशुद्धियों को निकाल कर जो तैयार किया जाता है उसे बटन लॉक कहते हैं। इसके बाद संग्रहित लाभ रहता है, डायरेक्ट इकट्ठा किया जाता है जो संग्रहित लाभ रहता है उसको सीड लाभ कहते हैं, संग्रहित किया गया है। इसलिए लाभ के जो कंपोजिशन, जो लाभ का संगठन है उसमें 6% मोम पाई जाती है, 6% मोम पाई जाती है। बेक्स या मोम, एमपी के होशंगाबाद में लाख का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, मध्य प्रदेश में लाख का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है तो होशंगाबाद में सबसे ज्यादा लाख का उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज्यादा बिहार में, भारत में बात की जाए तो सबसे ज्यादा बिहार में लाख उत्पादन होता है। इसके बाद लाख की क्वालिटी जो है, लाख की गुणवत्ता या क्वालिटी जो है वो पोषी पादप पर निर्भर करती है। पोषी पादप से मतलब पीपल का पेड़ है या बबूल का पेड़ है या पलाश का पेड़ है या कुसुम का पेड़ है। पादप जितना स्ट्रांग होगा या जितना गुणवत्ता वाला होगा उतनी गुणवत्ता की लाख भी होगी। पोषी पादप पर निर्भर करती है लाख की क्वालिटी या गुणवत्ता। आगे देखते हैं, लाख में जो कायंत्रण होता है वो हेमीमेटाबोला होता है। कायंत्रण क्या होता है उसके बारे में आगे चर्चा हम करेंगे। आप डायरेक्ट ध्यान रखिए कि लाख में कौन सा कायंत्रण होता है तो हेमीमेटाबोला कायंत्रण होता है। आगे देखते हैं दीमक, दीमक संघ अर्थोपोडा का सदस्य है। वर्ग इंसेक्टा और गण जो है वो टर्मिटिडी है। दीमक का गण टर्मिटिडी, ये टर्मिस्टिडी भी कुछ बुकों में लिखा गया है। इसके बाद इसकी जो फैमिली है वो डर्मिस्टिडी है। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये इसकी फैमिली है। और जो इसका नाम है, साइंटिफिक नेम, ओडोंटोटर्मिस ओबेसस इसका साइंटिफिक नेम है। चलिए आगे देखते हैं, और जो इसका गण है वो आइसोप्टेरा, गण आइसोप्टेरा। ये लाख कीट का गण है, ये कुल है टर्मिटिडी, और वर्ग इंसेक्टा है, संघ अर्थोप्टेरा है, संघ अर्थोपोडा है, और जो इसका साइंटिफिक नेम है वो ओडोंटोटर्मिस ओबेसस है, ओडोंटोटर्मिस ओबेसस। ये एक शाकाहारी है, जो दीमक होता है वो शाकाहारी होता है। इसमें जो मुखांग होते हैं वो काटने और चबाने वाले होते हैं, काटने और चबाने वाले, कटिंग एंड चेपिंग। इसके बाद इसका जो प्रिय भोजन है वो गोबर है। लाख कीट का प्रिय भोजन क्या है तो वो गोबर है, जो गोबर जो डक होती है वो इसका प्रिय भोजन है, बेस्ट। फिर इसके बाद गोबर में क्या होता है तो गोबर में सबसे ज्यादा होता है सेल्यूलोस, ये एक प्रकार की शर्करा है, अघुलनशील शर्करा है, सेल्यूलोस सबसे ज्यादा। तो कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है कि लाख कीट का प्रिय भोजन क्या है, तो ऑप्शन में डायरेक्ट सेल्यूलोस भी आ सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा सेल्यूलोस भी लिखा हुआ आ सकता है, इसके अलावा गोबर तो होगा ही। चलिए लाख, सॉरी दीमक के बारे में बात कर रहे हैं हम। अगर बीच में अगर गलती से लाख का नाम आ जाता है तो आप समझ जाइएगा लाख का जो भी पढ़ा गया है वो इधर इधर का ही है, ये लाख के संबंधित है, ये दीमक से संबंधित है, और ये टिड्डे के बारे में बताया गया है। तो अगर बीच बीच में लाख या टिड्डे का वर्ड आ जाता है तो आप अपने हिसाब से भी कवर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जो दीमक होता है उसकी जो मादा होती है वो 300 से 2000 के बीच है, 300 से 2000। सभी इंसेक्ट में सबसे हाईएस्ट अंडे या एग जो देते हैं वो दीमक देते हैं। हाईएस्ट एग प्रोडक्शन कौन करता है तो दीमक करता है, कितने करता है 300 से 2000 एग प्रोडक्शन। फिर आते हैं, दीमक एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक की प्रकृति का सामाजिक कीट है। कौन सा? दीमक। मधुमक्खी भी है, उसमें भी आपको बताया गया था, मधुमक्खी भी जो है वो सामाजिक कीट है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें राजा और रानी जो होते हैं वो बरसात में मिथुन करते हैं। बरसात के टाइम में नेपच्यून फ्राइड मैथुनी उड़ान भरी जाती है राजा रानी के द्वारा बरसात के टाइम पे। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा टाइम, तो बरसात या जून जुलाई इसका टाइमिंग है। फिर इसके बाद दीमक मदा में या मिट्टी में फंगल गार्डन का निर्माण करते हैं, कवक उद्यान या फंगल गार्डन का निर्माण करते हैं वो कौन करते हैं तो दीमक करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। दीमक का जो भ्रूणीय परिवर्तन होता है वो 20 से 90 दिन में होता है। भ्रूणीय परिवर्तन, भ्रूण से एडल्ट या प्रौढ़ जो बनता है वो 20 से 90 दिन में बनता है, दीमक का भ्रूणीय परिवर्तन। इसके बाद दीमक में पाया जाने वाला कायंत्रण पेरामेटाबोला, जबकि लाख कीट में कौन सा कायंत्रण? हेमीमेटाबोला। दीमक में पेरामेटाबोला, इसमें राजा और रानी जो होते हैं उनका जीवन काल कितना होता है तो 3 से 15 वर्ष का। राजा रानी का जीवन काल कितना होता है? 3 से 15 वर्ष का। बीएससी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड और एल्ड्रीन हेप्टाक्लोर, ये जो है तीन रसायन ये इंसेक्ट के कंट्रोल में यूज किए जाते हैं, इंसेक्ट के कंट्रोल।
यानी कि कीट नियंत्रण में यूज किए जाते हैं। बीएससी एल्ड्रिन और हेप्टाग्लोर, ये आधुनिक कीटनाशी है जो इंसेक्ट कंट्रोल में यूज किए जाते हैं। इसके बाद मैक्रोप्टेरा प्रकार के दीमक जो होते हैं उनमें पंख पाए जाते हैं और ये वास्तविक वास्तविक दीमक होते हैं। जो एप्टेरा प्रकार के दीमक होते हैं उनमें पंख नहीं पाए जाते, पंखहीन और रंगहीन भी होते हैं, रंग भी नहीं पाया जाता है और अविकसित जननांग होते हैं, अविकसित जननांग होते हैं। इसके बाद दीमक के जो श्रमिक होते हैं वो पंखहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं और नेत्रहीन होते हैं। फिर इसके बाद जो सैनिक होते हैं, दीमक कीट के जो सैनिक होते हैं वो पंखहीन, नेत्रहीन और रोस्ट्रम युक्त उपांग पाए जाते हैं। श्रमिक में रोस्ट्रम युक्त उपांग, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, किसमें पाए जाते हैं, तो वो सैनिक में पाए जाते हैं, सॉरी सैनिक 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 में रोस्ट्रम युक्त उपांग पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ये दीमक के बारे में सारी इंपोर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है, ये लाख किट के बारे में सारी इंपोर्टेंट जो भी चीजें हैं वो बता दी, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन पीटी में आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं टिड्डा। टिड्डा जो है संघ अर्थोपोडा, वर्ग इंसेक्टा और गण जो है इसका अर्थोप्टेरा, गण अर्थोप्टेरा, इसका आइसोप्टेरा, इसका अर्थोप्टेरा और इसका हेमिप्टेरा लाख किट। फिर कुल की बात की जाए तो एक्रिडी, इसका कुल एक्रिडी, किसका टिड्डे का। फिर साइंटिफिक नेम सिस्टोसरका ग्रिगेरिया, सिस्टोसरका ग्रिगेरिया या सिस्टोसरका अमेरिकाना, या फिर एक प्रजाति और होती है हेरोग्लाइलस बनियान, हेरोग्लाइलस बनियान जो धान में नुकसान पहुंचाती है पेड़ी में। स्वार्मिंग, स्वार्मिंग क्या होती है, छत्ता परिवर्तन की क्रिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, पुराने घर से नए घर में जाना स्वार्मिंग कहलाती है। तो प्रवास या स्वार्मिंग जो होती है वो टिड्डे में सबसे ज्यादा होती है, इसके अलावा मधुमक्खी में भी होती है। टिड्डे का जो झुंड होता है उसको लोकस्ट कहते हैं, एक साथ टिड्डे का जो झुंड होता है उसको लोकस्ट कहते हैं, सबसे ज्यादा उसमें अधिकतर मादाएं रहती है, लोकस्ट कहलाता है। टिड्डा भी एक शाकाहारी प्राणी है, टिड्डा शाकाहारी कीट है। इसके बाद एक टिड्डा लगातार 17 घंटे तक उड़ सकता है, लगातार 17 घंटे तक उड़ सकता है। इसमें भी मादा बड़ी होती है, नर छोटा होता है, मादा बड़ी होती है, नर छोटा होता है। इसमें ओपिस्थोग्नेसस सिर पाया जाता है, ओपिस्थोग्नेसस क्या होता है वो कॉकरोच पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा ओपिस्थोग्नेसस क्या होता है, ओपिस्थोग्नेसस प्रकार का सिर पाया जाता है। और ओसिलाई नामक नेत्र पाया जाता है, ये सिर है और ये नेत्र है, ओसिलाई नामक नेत्र पाया जाता है। और जो मेंडिबुलेट होते हैं वो मेंडिबुलेट प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, मुखांग किस प्रकार के पाए जाते हैं तो मेंडिबुलेट प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। जो मेटाथोरेसिक पैर जो टांगे होती है टिड्डे में, मेटाथोरेसिक जो टांगे होती है वो कूदने में काम में आती है, पीछे की टांगे जो बड़ी बड़ी होती है, आपने टिड्डा देखा होगा ग्रास हॉपर, उसमें जो मेटाथोरिक टांगे होती है वो कूदने के काम में आती है, मेटाथोरिक टांगे। चलिए आगे देखते हैं, उदर का जो प्रथम खंड होता है, इंसेक्ट का जो शरीर होता है वो 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। तो वक्ष में 3 भाग होते हैं, उदर में 10 भाग होते हैं और सिर में 11 भाग होते हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। तो जो उदर का जो प्रथम खंड होता है उसे टिम्पेनम कहते हैं, उसे टिम्पेनम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जो हृदय होता है, हृदय कितना किसका, तो टिड्डे का जो हृदय होता है वो 13 भागों में बटा हुआ होता है, कॉकरोच का जो होता है वो 13 भागों, सॉरी टिड्डे का जो हृदय होता है वो 7 भागों में बटा हुआ होता है, और जो कॉकरोच का हृदय होता है, जो हार्ट होता है वो 13 भागों में बटा होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अमाशय होता है उसमें हिपेटिक सिका या गैस्ट्रिक सिका पाचन का कार्य करते हैं। इसमें 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं, होलोन्यूस्टिक प्रकार का श्वसन होता है, होलोन्यूस्टिक प्रकार का श्वसन होता है किसमें, टिड्डे में। शुक्रवाहिनी, टिड्डे में जो शुक्रवाहिनी होती है वो 90वें व 10वें खंड पर पाई जाती है, क्या शुक्रवाहिनी किसमें, तो टिड्डे में। फिर कोरियन कवच होता है, अंडे के आसपास जो अंडाशय जो होता है, अंडाशय से स्त्रवित होता है, कोरियन कवच का निर्माण होता है, कोरियन कवच होता है, कोरियन 20 एग देता है, 20 एग अंडा एक टिड्डा एक बार में 20 अंडे देता है, और इस पूरे 20 अंडे युक्त अंडफल युक्त गुच्छे को अंडफली कहा जाता है, 20 अंडे एक साथ देता है उसको अंडफली कहते हैं। फिर टोटल 200 अंडे देता है, कौन, मादा टिड्डी। फिर 5 से 6 निर्मोचन पाए जाते हैं किसमें, टिड्डी में। फिर उसके बाद स्वतंत्र तंत्र के कारण टिड्डे का आकार सीमित रहता है, स्वतंत्र तंत्र के कारण टिड्डे का आकार जो है वो सीमित रहता है, क्यों,
क्योंकि होलोन्यूस्टिक प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है। ये टिड्डा, लाख कीट और दीमक के बारे में आप वीडियो को पॉज करके पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से आएगा, और अगर नहीं आएगा तो वो किसी से नहीं बनेगा। पुरानी चीजें इसमें से बहुत सारे रिपीट भी हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पीएटी में। जो भी आपको अगर डाउट लगता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, और इसके बाद कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप जरूर बताएं। थैंक यू।